लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन हमें जो मिलता है, कुछ जिले में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की दो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन देती हैं और वो ऑक्सीजन फिर उसको कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डालकर वो फिर अस्पताल में मिलता है। दूसरा ये है कि हम लोग भिलाई के प्लांट से, अंगूल के प्लांट से, विशाखापट्टनम के प्लांट से, डोरली का रायगढ़ में जो बड़ा प्लांट है उसमें से, जो बड़े बड़े प्लांट है जमशेदपुर के हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है और ये लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर अनेक जिलों तक जाता है। कोविड के अनुभव में हमें ये ध्यान में आया कि कोई पेशेंट 1 मिनट में 4 लीटर 5 लीटर ऑक्सीजन लेता है तो किसी को 20 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और उसके कारण अनेक दिक्कतें सामने आई। हमें हर जिले को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनना है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसमें भी विशेष रूप से जो बनाए जाते हैं उसमें जो जिवोलाइट है, वो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, वो जिवोलाइट सोडियम बेस है और लिथियम बेस है। ये यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट होता है। अभी हमारे DRDO ने और हमारे विभाग के सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे, तो रशिया से 350 टन ये जिओलाइट हमने इंपोर्ट भी किया है। अब मेक इन इंडिया में हमारा ये प्रयास है कि हमारे देश में ये तैयार हो और ये ऑक्सीजन प्लांट भी हम बड़े प्रमाण पर तैयार कर सकें, और इसलिए बड़े प्रमाण पर ऑक्सीजन प्लांट अभी देश में तैयार हो रहे हैं। और मुझे इस बात की कि जायसवाल जी ने प्रभा इंजीनियरिंग के तरफ से एक संवेदनशील मन का परिचय दिया है और ये ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने खड़ा किया है। मैं हृदय से उद्योग, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक उद्योगपति है, अनेक उद्योजक है, पर समाज के प्रति अपना दायित्व है, संवेदनशीलता है, ऐसा भाव रखकर समाज के लिए समर्पित भाव से सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर है और उनका जो उदाहरण है ये पूरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आदर्श है। तो मैं दिल से, हृदय से, आप सबकी ओर से और मेरे तरफ से उनसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो केशव जी को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और महेंद्र सिंह जी को मैं अनुरोध करूँगा कि इसमें 4 महीने में मैंने काफ़ी डिटेल में मेरे क्षेत्र में काम किया है तो मुझे इसके काफ़ी दिक्कतें पता चली हैं। तो आप हर ज़िले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 50 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल है बड़ा, उसको हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट मैंडेटरी करिए, क्योंकि आगे 3rd वेव का संकट है, 4th वेव का संकट है, तो ये काम करना आवश्यक होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन मिलता है पर ये जो सिलेंडर बनते हैं वो लोहे से बनते हैं और उसके वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन लगता है, और इसलिए हमने उसको इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बंद किया तो ये सिलेंडर का ही प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय हर ज़िले में एक सिलेंडर की बैंक देखो कितनी है और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर सिस्टम में कम है। वो आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार की तरफ से हर ज़िले में कम से कम 5,000-4,000 सिलेंडर सिस्टम में डाल के उससे स्वयं पूर्ण बनने की आवश्यकता है। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है इस समय वो बहुत बड़े प्रमाण पर हमने लाए। मैंने खुद अपने क्षेत्र में 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विदर्भ के और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में दिए, तो ये अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हिंदुस्तान में बनने लगे हैं और 20 लीटर मिनट तक मिल रहा। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऐसे कि इसको ऑक्सीमीटर लगाने से 4 लोगों को ऑक्सीजन मिल सकता है। तो टेक्नोलॉजी हुई है इसकी पूरी जानकारी, और बहुत सस्ते में मैंने ये खरीदी किया है तो मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। मैं आपको सुझाऊंगा कि हमने अब अनुरोध करके महाराष्ट्र में अनेक जगह पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक खोली है, और हमारे नागपुर में 3 लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक खोली है
और आवश्यकता पड़े तो किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसके लिए उसका उपयोग हो रहा है। तो ये इनिशिएटिव हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवी संस्था अगर लेंगे तो ये भी बड़ा उपयोग होगा। एक बायपैक करके है, 34,000 रुपये का केवल है, जिसमें से हम लोग लोगों की जान बचा सकते हैं। मैंने ऐसे 2,500 बायपैक खरीदे किए और उसके कारण दूर दम क्षेत्र में लोगों की जान बची है, तो वो भी हम लोगों को दे सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट हुआ, शॉर्टेज हुआ, तो मैंने मेरे क्षेत्र में एक कंपनी को इसकी परमिशन दिलाई और पूरे महाराष्ट्र में और देश में हमने रेमडेसिविर सप्लाई किया। अब उनके पास 3.5 लाख का शॉर्टेज है। वो मुझे मजाक में कह रहे थे, अब स्नान करना है क्या रेमडेसिविर से, इतना रेमडेसिविर है। दूसरा जो फंगस आया है, ब्लैक फंगस और रेड फंगस, इसके लिए भी हमने इंजेक्शन बनाया वहाँ, और आज ही 10,000 इंजेक्शन पुणे में दिए जा रहे हैं। ऐसे देश में हम इंजेक्शन आपके उत्तर प्रदेश को भी दे सकते हैं, केवल सरकार के थ्रू। अगर आपके चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे तो फंगस के लिए भी लोगों की आंखें जा रही है। हमारे यहाँ ये इंजेक्शन की कीमत 7,400 रुपये थी, बाद में 1,650 थी, और हमने ये 1,250 रुपये में बनाया है। एक एक पेशेंट को कभी कभी 10, 20, 25, 100 तक इंजेक्शन लगते हैं और गरीब लोग ले नहीं पाते। अब ये इंजेक्शन तैयार है, अगर आपको शॉर्टेज है, मैंने सुना उत्तर प्रदेश में भी कमी है, तो मुझे बताइए, मैं हमारे यहाँ से 10,000, 20,000, 25,000 इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले के लिए देने की व्यवस्था करूँगा। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे हॉस्पिटल की बेड की संख्या हमको बढ़ानी है। और क्योंकि ये उत्साह से हम लोग बड़े तरह से कोविड हॉस्पिटल खोलते हैं, पर सफाई कामगार, डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेस नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसमें एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल की बेड की संख्या बढ़ाना ये भी एक महत्वपूर्ण काम होगा। इस समय मैंने कम से कम 20 एम्बुलेंस लोगों से CSR में से इधर उसे पैसे मांगकर करीब 90 करोड़ रुपए का साहित्य लोगों तक पहुँचाया, दुर्दम्य परिसर तक, और जिसमें लोगों की जान बचाने में उपयोगी हुआ है। एम्बुलेंसेज भी पहुँचाई है। तो ये समय बहुत कठिन है, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये कहावत जो है बहुत सही है। अब केशव जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, तीसरी वेव आएगी ये समझकर हमको तैयारी करनी है। थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो ये समझकर ये पूरी तैयारी जिलाशाह हो, ताकि हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति का मृत्यु ऑक्सीजन के बिना ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल प्रधानमंत्री जी ने अच्छी घोषणा की है, अभी हमको ये अभियान चलाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आने वाले जल्द से जल्द समय में वैक्सीनेशन पूरा होगा। जो लोगों ने वैक्सीन लिया है उसमें अंधश्रद्धा के कारण कुछ लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन लगाने से हम मर जाएंगे, तो हमको ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाकर उनसे वैक्सीन कराना, ये काम करना होगा। मैं एक अच्छा सुझाव आपको देता हूँ, क्योंकि अभी बरसात के और धूप के दोनों की भी काल समय है। मैंने हमारे यहाँ नागपुर में कॉम्प्लेक्स जो थे बड़े बड़े, वहाँ वैक्सीन सेंटर खोल दिए और मॉल के पार्किंग में शुरू कर दिए। वहाँ पीने का पानी दिया जाता है, गाड़ी में बैठकर सीनियर सिटीजन आते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, डॉक्टर उनके पास जाते हैं गाड़ी में बैठे हुए, उनको वैक्सीन लगाते हैं, पानी की बॉटल देते हैं, अपना कार्यकर्ता एक गुलाब का फूल देता है और गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। ना धूप होती है ना पानी होता है। तो ये वैक्सीन के सेंटर मॉल के अंडर पार्किंग में, कोई बड़े बड़े जगह हॉल के इसमें छाव में अगर हम करेंगे तो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर होंगे और जहाँ लोगों को राहत मिल सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल का भी उपयोग होगा और हमको गति से वैक्सीनेशन भी पूरा करना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज विशेष रूप से प्रयागराज में केशव जी के नेतृत्व में हमने NHI के अनेक प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, अनेक ब्रिजेस को भी हमने मंजूर किया है, और उन सब कामों का रिव्यू भी करना है। जितनी जितनी बातें उन्होंने कही वो सब मान्य की है, और सबसे हमारे श्रद्धा का जो अयोध्या का हमारा प्रभु रामचंद्र हमारा एक श्रद्धा स्थान है, उसका पंचक्रोशी का जो अयोध्या मार्ग है उसकी भी हमने पूरी तरह से तैयारी करके उसके भी काम की शुरुआत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब विकास तो होगा ही, पर लोगों की जान की सेवा करने का काम हमको करना है। राजकारण ये जो है पॉलिटिक्स, इसका अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण, और राजनीति को कहते हैं धर्म नीति, लोक नीति और बृहत्तर राजनीति। और ये समाज कारण जो है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, दरिद्र नारायण की सेवा करना ही
ईश्वर सेवा है और यही सही राजकारण है। हम जो राजकारण को समझते वो केवल सत्ताकारण को समझते हैं, वो सत्ताकारण केवल राजकारण नहीं है। तो पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यही हमारा मकसद है, मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का हमारी जीवन निष्ठा है। जो दलित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो दवाई के कारण जो मृत्यु इनका हो रहा है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने, परमेश्वर माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे, यही विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है और यही सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा मिशन है। मैं जयसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने प्रभा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निश्चित रूप से समाज की सेवा करने का दायित्व उठाया है। मेरे ऑफिस में मैंने मेरे पीछे में एक अच्छा गीत लिख कर रखा है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। हम लोगों की सेवा करते रहे और मैं मानता हूँ कि लोगों की सेवा करने से जात पंथ धर्म भाषा सेक्स सबसे ऊपर उठकर हम काम करें, निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद हमको मिलते हैं। मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण बताता हूँ। इस बार 4-5 महीने में मैंने मेरे क्षेत्र में काफ़ी काम करने का मौका मुझे मिला। करीब 90 करोड़ का साहित्य बांटा, मैं लगातार लोगों की सेवा करता रहा और धीरे धीरे मैंने ये भी तय किया कि कोई फोटो नहीं निकालूंगा। कोई वेंटिलेटर, 500 वेंटिलेटर मैंने बांटे। केशव जी, ये भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वेंटिलेटर के विदेशी कंपनी की कीमत 10 से 12 लाख रुपए है, वेंटिलेटर की इंडियन कंपनी 4-4.5 लाख से 6.5 लाख रुपये है और मैंने 1,48,000 रुपये में विशाखापट्टनम के MSME में बनाया हुआ वेंटिलेटर 500 वेंटिलेटर फुकट में बांटे। एक भी वेंटिलेटर की तकरार नहीं आई है। मैं उत्तर प्रदेश में, आप सिद्धार्थनाथ सिंह जी या आपको जितना भी चाहिए, महेंद्र सिंह जी, मैं 1,48,000 रुपये में आपको वेंटिलेटर डॉक्टर्स को, इनको सबको देने के लिए तैयार हूँ। कम प्राइस में मैंने निगोशिएट करके ये प्राइस तय की है। आप हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी दिलाइए 5.5 लाख के बजाय 1,48,000 रुपये में। तो मुझे लगता है ये जब सेवा मैंने की और सब बांटा तो मैंने फ़ोटो निकालना बंद कर दिया। और आपको मैं बताता हूँ कि मुझे इसका, मैंने तो बंद कर दिया पब्लिसिटी करना, इतना फ़ायदा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में और देश के कानों कोनों तक, लोगों तक ये बात पहुँची और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। और इसलिए प्रचार प्रसिद्धि न करते हुए निरपेक्ष भाव से लोगों की सेवा करना है और सेवा यही हमारा मिशन है, यही हमारे पार्टी ने भी कहा है। तो इस भाव से हम दलित, पीड़ित, शोषित, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इससे ऊपर उठकर दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे और यही सेवा आज प्रभाव या इंडस्ट्रीज के द्वारा उन्होंने जो की है उसके लिए मैं जयसवाल जी को, उनके डायरेक्टर्स को, उनके सभी स्टेक होल्डर्स को फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका उन्होंने दिया और मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारे साथ काम करने वाले कोई कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है। तो ये बात मेरे लिए सबसे बहुत खुशी की है। जब दिल्ली आएंगे तो ज़रूर आपको मिलूँगा। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी और हमारे महेंद्र सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको यही कहूँगा कि कोविड का संकट अभी भी गया नहीं है। आने वाले समय में मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करना है और अपने जान की रक्षा करनी है। उसके बारे में सभी सरकारी नियमों का आप पालन करिए और आप स्वास्थ्य के दृष्टि सुरक्षित रहिए। ईश्वर चरणों में आप सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।